नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पोटकपल्ली सीआरपीएफ कैंप पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पर, जवानों से की मुलाकात, जवानों से जाना उनका हाल, नक्सली के खात्मे को लेकर हुई अधिकारी व जवानों से अहम चर्चा। पोटकपल्ली कैंप का लिया जायजा, वही उनके साथ में सीआरपीएफ के डीजी व अधिकारी के साथ बस्तर आईजी, कमिश्नर सुकमा, कलेक्टर व एसपी रहे मौजूद। बता दें कि एक माह पहले ही यह कैंप स्थापित हुआ था। इसके अलावा वे वहां सीआरपीएफ जवानों का हौसला अफजाई भी करेंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह नक्सल ऑपरेशन में आने वाली दिक्कतों से रूबरू हो सकते हैं, इसके साथ ही वे जवान कैंप में कैसे रहते हैं इसका भी जायजा लें। बता दें कि अमित शाह के हर कार्यक्रमों के लिए एसपी व कलेक्टर दो दिन से मौके पर मौजूद हैं, वे सभी कार्यों का जायजा ले रहे हैं। सीआरपीएफ व पुलिस के बड़े अधिकारी आज कैंप पहुंचे, जहां वे करीब आधे घंटे कैंप में रहेंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।